NH2 के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में मुरादाबाद से आ रहे अपने साथी के साथ बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नाम आपका? नाम अनवर है और आशिम था, अरशद था, दाऊद था। हम दिल्ली आ रहे थे, मुरादाबाद से आ रहे थे और पीछे से सामने से गाड़ी आई, उन्हें बचाने चक्कर में दावी तो बदवाला दबा के चलवाया उसको। फिर क्या मामला हुआ? फिर मैं एक तरफ पूछ गया, फिर उसके बाद में पता नहीं किसी के थे छोटा। क्या बन जाते आप? चार बंदे थे। हम कहाँ जा रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। क्या मामला हुआ है? ये ऐसा था, अभी हम आगे पीछे रुके थे, साथ में हुए थे तो साथ में फिर एकदम चले। फिर हम थोड़ी सी आगे निकल गए थे, वो पीछे से हमारे सामने तो निकल के आई नहीं थी भाई। इनका फोन आता है मेरे पास, उनका ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो हम पीछे आए। तो कहाँ के रहने वाले भैया? मुरादाबाद। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सदर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी कक्ष में देर रात मामूली कहासुनी के चलते दो संविदा कर्मी आपस में भिड़ गए, जिनके बीच लात घुसे चले, जिसकी वजह से घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद स्टाफ ने दोनों कर्मियों को बड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया। वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इन लोगों ने रात में ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी कक्ष में अव्यवहारिक व्यवहार किया है, जिनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। स्टाफ नर्स द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र से संज्ञान में आया है कि ये लोग जो है अव्यवहारिक कार्य किए हैं रात में और ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी कक्ष में, और इनके ऊपर अनुशासनों पर कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और हॉस्पिटल की छत भूमिल न हो। जैसा कि जानकारी में आ रहा कि कुछ लेन देन का मामला था, तो क्या ऐसा कुछ क्या ये तो हमारे संज्ञान नहीं है, हम जांच करवाएंगे, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में देवरिया म्यूजिक साउंड एंड बैंड पार्टी के लोगों ने देवरिया स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना कर ज्ञापन दिया। धरने को संबोधित करते हुए संचालकों ने कहा कि हमारा परिवार डीजे पर आश्रित है, मगर हाईकोर्ट के आदेश से डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। हमारी सरकार से मांग है कि कोई कानून संगत सरकार मार्ग निकाले, जिससे हम डीजे संचालकों के परिवार की रक्षा हो सके तथा डीजे संचालकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद हो सके। इस सभा में भारी संख्या में डीजे संचालक मौजूद रहे। देवरिया म्यूजिक साउंड एंड बैंड पार्टी संगठन के इस ज्ञापन में आए हुए हैं और न्यायालय द्वारा जो डीजे बजाने पे पाबंदी लगी है, हम जिलाधिकारी के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करते हुए भी बताना अधिकारी से अपना चाहते हैं कि डीजे व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है और हम भूखमरी के कगार पे जा रहे हैं। इसलिए माननीय जिलाधिकारी से अनुरोध है कि न्याय संगत जो भी हो, हमें न्यायालय के गाइडलाइन द्वारा जो भी हो, हमें दो स्पीकर जो भी है उसे बजाने की अनुमति प्रदान करें। शासन प्रशासन द्वारा जो थाने के पुलिस द्वारा डीजे संगठन को डीजे बजाने वालों के ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है, धमकी दी जा रही है, उसे रोका जाए और न्याय उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको न्याय संगत। यह आंदोलन कब तक चलेगा? और जब तक ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक कुछ सुप्रीम कोर्ट से आदेश न हो जाए और उत्पीड़न हमारे व्यापारियों का न हो।